वर्ल्ड कप का मैच नंबर 37 और मैच रहने वाला है बांग्लादेश बनाम नेपाल के लिए। बांग्लादेश के लिए मैच इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वैसे तो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है वो, क्योंकि बाकी तीनों टीमें बाहर हो चुकी है, अब कोई चांस रहा नहीं है उनपे। तो वही मौका बनता है बांग्लादेश वालों का इस मैच को जीते और अपनी जगह वैसे ऑलमोस्ट पक्की कर लिया, क्योंकि जो लास्ट मैच नेपाल खेल के आए ना वो सबसे बड़ा अपसेट रहने वाला है उनके लिए, और कोई मैच रह ना रहे, क्योंकि वो उनका मैच था टिकट टू सुपर एट जाने वाला। अगर वो एक मैच जीत जाते ना, वो एक रन से हार के आई है, वो एक रन की कीमत भाई उनको अगले चुभेगी। इस मैच में तो पक्का चुभेगी, अगर ये मैच जीत जाते हैं ना वो। हाँ और क्या पता 100% यही मैच नेपाल जीतेगी, क्योंकि किंगस्टन में ही खेलेंगे, और जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका को 115 पे ऑल आउट कर दिया था सेम ग्राउंड पे, तो भाई बांग्लादेश को भी पूरी टक्कर दे सकते हैं ये, और क्या। और भाई मैच हरा भी सकते हैं। अगर वो मैच जीत गए ना नेपाल वाले, तो भाई उनको वो लास्ट वाला मैच पक्का चुभने वाला कभी है। खुशी कभी गम वाली बात हो जाएगी। सही बात है, अगर मैच जीते तो वही मैच याद आएगा, पिछले वाला हाँ अफ्रीका वाला एक रन से। और मैं हाँ तो यही मानता हूँ कि जो नेपाल है भाई वो अच्छे खासा जोर लगाएगी इस मैच में। और यार इतना सपोर्ट है फैंस का, इतना सपोर्ट है, यार मैं कहता नेपाल, हूँ एक मैच ये हाँ डिजर्व करते हैं यार जीतना। भाई नेपाल ने यार अभी तक ना, जो देखो पहला मैच हुआ था नीदरलैंड के खिलाफ, हाँ उसमें भी पूरा जोर लगा दिया था लगा दिया अपना, था। हाँ लेकिन वो तो बस मैक्सो डाउट रह गया था सही जिसने बात मैच है। जिता के ले गया, हाँ हाँ नहीं हाँ तो वहां पे भी चांस जीत था सकते उनका थे। जीतने का। हाँ और वहीं एक मैच था जो उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका वाला तो रद्द हो श्रीलंका वाला गया। रद्द हो गया, हाँ बांग्लादेश से रहता है, और हाँ साउथ अफ्रीका को टक्कर दे दी थी उन्होंने फिर से, वैसे ही जैसे ठीक है, नीदरलैंड को तो दी दिल तो थी। जीत लिए, यही कहना हाँ चाहते हो ना। दिल भी जीत लिए भाई, वो पॉइंट भी तो जरूरी होता है हाँ ना। तो मैं यही आप कह एक रहा चीज हूं। देखो कि पूरे स्टेडियम में नेपाल के फैंस थे, और अभी तक जितने भी नेपाल के मैच हुए पूरे स्टेडियम में आपको भर दिया। नेपाल के फैंस दिखेंगे। अगर गलती से सुपर एट में पहुंच जाते तो ओहो भाई साहब, आप ये देखो कि ग्रुप के जिसके भी मैच हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया जिस भी टीम से मैच लड़ रहे होते, ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहे होते, इंडिया से लड़ रहे होते, आप देखते इंडिया भाई वाले में तो देखो टक्कर मिलती फैन इंडिया से। वाले हाँ में तो फैन से टक्कर मिलती वो तो ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने लड़ रहे हाँ तो होते। वो तो यार वो तो फैंस तो इनके हैं ही, और वो तो चाहिए हारे तो भी हैं। और हाँ एक्चुअली क्या है ना, जज्बा देखा जाता है, और जज्बा जो हाँ नेपाल ने दिखाया है ना, मैं भी एक उनका फैन बन गया हूँ उनके क्रिकेट का। हाँ क्योंकि भाई मतलब तुमने टक्कर दी है पूरी पूरी, हाँ ये नहीं हाँ तुम आए और पार्टिसिपेट आई किया और जैसे युगांडा पार्टिसिपेट, वगैरह आए, हाँ तो यार 30 ऑल आउट 40 ऑल आउट तो मतलब ये हाँ तो अपनी बेइज्जती करा ली। बट हाँ इन्होंने क्या है, टक्कर दी, ऑलमोस्ट जीते। क्योंकि यार एक चीज है ना, जो युगांडा वगैरह है ना, ये सिर्फ पीएनजी से लड़ती है बाहर, वर्ल्ड कप के बाहर, लेकिन जो नेपाल है, अभी नेपाल वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज से भी भिड़ के आई थी, ये एक दो अच्छी टीमों से भिड़ती है फिर भी, क्योंकि हाँ इनके पास प्लेयर है दीपेंद्र सिंह ऐरे जैसे 6 में 6 छक्के मारने वाले, सही है, विकेट देते आपको के भुरटाल ओपनर भी है, 4 विकेट भी छटका के गया लास्ट मैच सही में, बात है। तो भाई इन पे बॉलर भी अच्छे खासे हैं, इन पे बैटिंग डेप्थ भी बहुत ज्यादा हाँ है बड़ी लास्ट टीमों तक। से गेम प्रैक्टिस चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई कमी नहीं है, स्किल्स हैं, संदीप लमी चने वगैरह भी हैं इनके पास, बॉलर हैं। तो भाई तो जो इन्हें ये वाला मैच देख खेलने को मिला ना, और जितना एक्सपीरियंस इन्हें मिला होगा इस मैच से, हाँ कि भाई प्रेशर हैंडलिंग करना बहुत जरूरी है। आप चाहे मैच कितना भी जीत लो, 40 में से 34 ओवर मैच इनके मुट्ठी में था, लेकिन वो एडन मार्करम का एक ओवर